तो कहते हैं आजकल ये राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं मसाल दिए हुए, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके धर्म की गारंटी नहीं है कौन से धर्म का है। कभी चुनाव आता है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेता है गंजी के ऊपर, कभी तिलक लगा लेता है, कभी माला पहन लेता है, ये भी पता नहीं कौन सा धर्म। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद ही मालूम नहीं कि वह किस जाति से है। प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर राज्य में ईडी की रेड और राम मंदिर को लेकर भी बात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में खुद को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर भी चर्चा की। राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं मसाल दिए हुए, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके धर्म की गारंटी नहीं है कौन से धर्म का है। कभी चुनाव आता है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेता है गंजी के ऊपर, कभी तिलक लगा लेता है, कभी माला पहन लेता है, ये भी पता नहीं कौन सा धर्म। जो मसाल लेके पूरे देश में घूम रहा है कचरों की गिनती होनी चाहिए। तुम्हारे पुरखे भी इस देश में रहे तब तुम क्या कर रहे थे भाई, तो तुमने गिनती तो उसने हमसे पूछते, हमने तो जाके गिरफ्त की थी। मजाक पहली बार ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतंक का खात्मा करना है, इसलिए जाति के भेद में मत पड़ना। भारतीय जनता पार्टी का कमल ही तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ये बात ये माता कहने बैठी है, मुझे अभी बताया रास्ते में, यहां पर लाली बहना के फार्म में भरने दिए गए। मैं पूछता हूं ये पाप करने वाला कौन है? 5-6 महीने अगर इन माताओं वालों को 1000 रुपया 1200 साढ़े 1200 का मिल गया होता तो 5-7 हजार रुपये तो खाते में पहुंचे गए होते। इसे छीनने वाले लोग को उन्होंने सजा देनी चाहिए, हम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो 7 करोड़ को दे दिया। आपका जिसने हक मारा उसको ढूंढो, उसके खिलाफ वोट करो। अगर खाते में पैसा कोई दे सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान दे। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, इस बात की अटकलें काफी तेज है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह उनका ओबीसी समुदाय का चेहरा होना है। कांग्रेस की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभा में इस बात को दोहराया है। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण में अंधी हो गई है, परिवारवाद में तो वह पहले ही सीमा पार कर चुकी है। राहुल गांधी को खुद अपनी जाति के बारे में मालूम नहीं, वह मशाल लेकर पूरे देश में आग लगाने के लिए घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल खबरीलाल।